सर सबसे पहले तो फिल्म की, आप फिल्म का जिस तरीके से हमने टाइटल देखा है, मतलब काफ़ी एक अलग सा यूनिक और एक अलग सा नाम है, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? देखिए, ट्रेलर रिलीज हुआ है जब से, तब से बड़ी पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है कि पहली बार एक हरियाणवी पिक्चर जो है, जो ऐसा लग रहा है कि हिंदी फिल्म ही है और लोग उसको दंगल से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बड़ी कमाल की बात है। क्योंकि ये तो छोटी सी फिल्म है लेकिन दंगल की फील को करना, क्योंकि दंगल में भी एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट की बात थी, इसमें भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, और गांव की बात थी, इसमें भी गांव की बात है। लेकिन ये बहुत ही, क्योंकि ये रीजनल स्पेस में बनी है, लेकिन हमने इसको बनाया जो है वो बिग स्केल पे बनाया है, और एक अच्छे तरीके से बनाया, अच्छी एक्टिंग है, अच्छा म्यूज़िक है इसके अंदर, इसकी जो टेकिंग वगैरह है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसीलिए फिल्म का जो वो एक तो नाम बड़ा कैची लग रहा है लोगों को, छोरियाँ छोरों से कम नहीं होती है। एक्चुअली जो दंगल में बोला गया था कि मारी चोरी छोरों से कम नहीं है, वहीं से हमने एक्चुअली थॉट ले लिया। कई बार होता है ना, आपके आपको थॉट ऐसे ही आता है, जैसे मेरी पिक्चर थी मुझे कुछ कहना, वो एक्चुअली ऋषि कपूर का गाना था, वहाँ से था, मुझे कुछ कहना है मुझे भी कुछ कहें। तो कई बार टाइटल्स हमको ऐसे ही मिलते हैं, तो उसमें बाई चांस हमारी भी गर्ल एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट पिक्चर थी, तो हमने कहा कि किसी तरह हमको ये बताना है कि गर्ल्स आर नो लेस देन बॉयज़। तो उसके लिए मेरे को ये टाइटल जो है बड़ा परफेक्ट लगा, और ये टाइटल जो है बड़ा कैची हो गया, और उसका ट्रेलर जो है ऑलरेडी जो है मतलब 500,000 तो क्रॉस कर चुका है, यू नो, और आगे क्रॉस करेगा, और बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है लोगों को। जहाँ जहाँ दिखा रहे हैं कि ट्रेलर की बड़ी तारीफ हो रही है कि छोरियाँ छोरों से कम नहीं होती, जो 17 मई को रिलीज़ हो रही है, इसका ट्रेलर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके सर, इसके साथ में किस तरीके से आपको इस फिल्म का आइडिया आया कि इस तरीके की फिल्म करते हैं? एक काफ़ी अलग ही स्टोरी है, एक अलग ही, मतलब जो देख रहे हैं कि मतलब कि पहले हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग जो कंपैरिजन भी जो कर रहे हैं सर, वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है सर, कि मतलब एक दंगल से एक हरियाणवी लैंग्वेज जी है, हाँ एक वो है पूरा, एक वो लड़की वो भी बॉक्सर है, फिर लेकिन एक फिल्म एक अलग ही एक पहलू ले लेती है उसके बाद में। तो जी सर किस तरीके से आपको आइडिया आया कि इस तरीके की देखिए, फिल्म वो तो बनाते हैं? उसका उसका जो रेसलिंग का एंगल है या बॉक्सिंग का एंगल है, वो तो उसकी उसको स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मतलब दूसरा एंगल है, पर ये कोई रेसलिंग के ऊपर फिल्म नहीं है, या टोटली रेसलिंग है, ये तो एक आईपीएस ऑफिसर की कहानी है असल में। लेकिन मेरा मुद्दा इस पिक्चर को बनाने के लिए इसलिए था कि मैं हरियाणा का हूँ, मैं हरियाणा की मिट्टी से हूँ, और मैं जब से बम्बई आया हूँ जब हमेशा ही बोलता हूँ, और मैंने हरियाणवी लैंग्वेज के काफ़ी रोल भी किए हुए हैं, यू नो, और बड़े पॉपुलर हुए हैं वो रोल। तो मैं मेरे मन में हमेशा ये होता था कि रीजनल सिनेमा जो है वो हिंदुस्तान की सिनेमा की एक पावर है। आप देखो, आप मलयालम फिल्म देखो, तेलुगु, तमिल, या अभी भोजपुरी कितनी बड़ी इंडस्ट्री बनी, पंजाबी कितनी बड़ी इंडस्ट्री बनी, और ऐसे ही सब अलग अलग क्षेत्र का जो रीजनल सिनेमा है वो बड़ा पावरफुल होता है। बहुत सी पिक्चरों को नेशनल अवार्ड्स मिल रहे हैं असल में, यू नो, हमारी हरियाणवी दो पिक्चरों को अवार्ड मिले थे, पगड़ी और सतरंगी को। तो ये मैंने सोचा कि क्यों ना इसको जो है हम बनाया जाए एक हरियाणवी लैंग्वेज, यू नो, क्योंकि हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री है नहीं। पहले बहुत साल पहले एक्चुअली एक फिल्म चल रही थी चंद्रावल, यू नो, चंद्रावल के अलावा बाद ऐसी कोई पिक्चर चली नहीं, फिर लोगों ने बनाई भी नहीं। जब नहीं बनाई, बल्कि शशि रंजन वगैरह उन्होंने बहुरानी पिक्चर बनाई, वो भी पिक्चर ठीक ठाक चली थी। तो वो फिर उसके बाद अपना अश्विनी चौधरी ने पिक्चर बनाई थी लाडो करके, यू नो, बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर थी, लेकिन कहीं हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री ऊपर हो नहीं पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना पहली बार, अब ये रीजनल सिनेमा का दौर आ रहा है, यू नो, सेटेलाइट है, डिजिटल है, यू नो, थिएटर सब जगह आप पहुँच रहे हैं, मल्टीप्लेक्स का टाइम है। तो हरियाणवी लैंग्वेज में 6 साल से लगा हुआ था, और उस दौरान देखो दंगल आ गई, यू नो, दंगल आ गई, और दंगल, सुल्तान, तनु वर्ड्स मनु, इनकी लैंग्वेज हरियाणवी है। तो इसका मतलब हरियाणवी लैंग्वेज इज़ द क्लोजेस्ट टू हिंदी, बिकॉज इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, ये पूरी जगह जो है एक्सेप्ट हुई है कि पैन इंडिया में इस लैंग्वेज को समझा गया है। बाकी दूसरी लैंग्वेज को इतना नहीं करता, पंजाबी आप पैन इंडिया नहीं कर सकते, यू नो, आप भोजपुरी पैन इंडिया नहीं कर सकते, पर हरियाणा के साथ हुआ है कि हरियाणवी लैंग्वेज जो है वो पैन इंडिया पिक्चर रिलीज़ हुई है, बल्कि चाइना तक रिलीज़ हुई है, लोगों ने उस साउंड को सुना है असल में। ऑफकोर्स वहाँ तो सब टाइटल होते हैं, लेकिन उस साउंड को सुना। तो मेरा बड़ा मुद्दा था कि डेफिनेटली हमको हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, रीस्टैब्लिश करने के लिए कुछ होना चाहिए, और मैं काफ़ी सालों से, फिर जी स्टूडियो ने मेरा साथ दे दिया, यू नो, मैंने सुभाष जी से एक बार बात की थी, वो भी हरियाणा के, यू नो, हम प्लेन में इकट्ठे जा रहे थे, उसने कहा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा चंडीगढ़ जा रहा हूँ, मैंने कहा हरियाणा की फिल्म पॉलिसी के लिए जा रहा हूँ, हरियाणा की फिल्म पॉलिसी भी बन गई है, जिसका मैं चेयरमैन था, को चेयरमैन था, और मैं वो उसमें सब इन मतलब तो साथ साथ सारे काम हो गए हैं ये,
कि हरियाणवी फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए या बाहर की कोई दूसरी लैंग्वेज पिक्चर जो हरियाणा में शूट हो, हरियाणा डेस्टिनेशन बने फिल्म इंडस्ट्री का, और यहाँ पर फिल्म स्टूडियोज़ हों और लोग यहाँ शूटिंग करें, चाहे गाँव की शूटिंग करें चाहे शहर की शूटिंग करें। आज हमारे घर हरियाणा के शहर भी बहुत अच्छे हैं, तो फिल्म पॉलिसी बनाई गई। तो उस तहत ये होते होते जो है अपना जी स्टूडियो के साथ बात हुई, तो हमने ये स्क्रिप्ट वर्कआउट की, छोरियाँ छोरों से कम नहीं होती। तो मेरा मुद्दा ये था कि बल्कि लोगों ने कहा कि आप अभी ट्रेलर लीजिए तो हिंदी पिक्चर क्यों नहीं करते। मैंने कहा नहीं, मैं हिंदी बोलता हूँ तो फिर देन आई बिकम द पार्ट ऑफ द क्राउड। हिंदी पिक्चर तो हो रही है ना, उनमें एक पिक्चर हो जाएगी, लेकिन मैं हरियाणवी बोलता हूँ तो देन इट स्टैंड्स अलोन, ये अकेली पिक्चर होगी। और ये ऐसी लैंग्वेज है, ये अकेली जो है ये सब जगह जा सकती है, बिकॉज इसकी लैंग्वेज जो है वो समझ में आने वाली लैंग्वेज है। इसी के साथ मैं कहना कि लेकिन कुछ हरियाणवी जो शब्द ऐसे होते हैं जो आम आदमी अक्सर नहीं समझ पाते हैं, मतलब कुछ काफ़ी जो मैंने सुन रखे हैं सर तो वो काफ़ी अलग हैं, तो उसके लिए सर क्या मतलब फिल्म्स के साथ में कोई सबटाइटल भी देंगे ऐसे? नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जहाँ जहाँ दिखाई है ना सबको समझ में आई है, असल में कोई किसी को ऐसा प्रॉब्लम है। बॉम्बे में भी शो कर चुका हूँ अपने कुछ खास दोस्तों के लिए, किसी को तभी तो इसके रिव्यूज़ ऐसे आए हैं कि यार ये तो हिंदी पिक्चर की तरह है, क्योंकि लोगों ने सुन चुके हैं ना। दंगल दंगल वगैरह में भी थे जिस थे, तो थोड़ा सा ये भी ख्याल रखा है कि समझ में आने वाले वर्ड्स हो, लेकिन हरियाणवी फील के लिए हरियाणा ही वर्ड्स बोले जाएँ तो बेटर है। तो वो समझ में आए, वो वाक्य समझ में आए, सेंटेंस समझ में आए, आपको गाने समझ में आए। कुछ तो हमने हिंदी गाने भी रखे हैं इसके अंदर, कि बैकग्राउंड के गाने तो ज़रूरी है कि हरियाणवी में हो, बैकग्राउंड का गाना कोई है तो वो एक्चुअली हिंदी में भी हो सकता है। तो हिंदी का गाना एक पूरा रोमांटिक गाना जो है हिंदी में, तो वो इसको ताकि हमारा मकसद क्या है कि हम हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री को रिस्टैब्लिश करें और फिर ऐसी पिक्चर बनाएं जो एंटरटेनिंग हो, क्योंकि हमारे पास ऑडियंस नहीं है जो ट्रेंड है हरियाणवी पिक्चर देखने के लिए। तो उसको करने के लिए सीधी और समझ में आने वाली फिल्म और एंटरटेनिंग फिल्म बनानी पड़ेगी ताकि गाँव की ऑडियंस भी समझ जाए। मैंने अपनी डेमो स्क्रीनिंग अपने ही गाँव में की थी और लोगों ने वाह वाही की ज़बरदस्त, और ज़बरदस्त उसको वो थोड़े दिनों में अभी हम YouTube वगैरह पर डालेंगे उनके रिएक्शंस, यू नो, और डेमो स्क्रीनिंग का हमको इतना ज़बरदस्त वो मिला। तो होल थिंग वाज के हम इस फिल्म को बनाए टू, और रीजनल सिनेमा का पावर जो है अगले 5 सालों में और बढ़ने वाला है, कि हर मतलब हर लैंग्वेज की फिल्म जो है वो, और आज आज़ादी हो गई है कि आप किसी भी टॉपिक पर पिक्चर बना सकते हो, यू नो। सर इसी के साथ में जिस तरीके से आपने बताया कि आप भी हरियाणा से हैं और हरियाणा की लैंग्वेज भी है, तो मतलब आपकी काफ़ी यादें भी जुड़ी हुई हैं हरियाणा से, तो मतलब सर इसके बारे में बताइए कि कितनी मेमोरीज ताज़ा हो गई इस फिल्म के चलते चलते। देखिए मैं अपने गांव में मतलब मैं पैदा तो दिल्ली में हुआ था, लेकिन हमारा गाँव था तो हम ऐसे परिवार से थे कि हम तो कोई मतलब नैनीताल मसूरी या लंदन तो छुट्टियों के लिए नहीं जाते थे, तो हमेशा चाहे गर्मी की छुट्टी हो चाहे सर्दियों की छुट्टी हो हम तो अपने गाँव पहुँच जाते थे। तो गाँव का हमने वो रूप देखा हुआ है, मैंने तो बार्टर सिस्टम तक चीज़ें खरीदी हुई हैं कि जहाँ करेंसी नहीं होती थी और बार्टर सिस्टम से आप मतलब आप चीनी देते थे तो गेहूं मिलता था, या गेहूं दो तो आपको कोई मिठाई मिलती थी, समझे ना। मैंने वो तक देखा हुआ, मैंने रहट के ऊपर मैं नहाया हुआ हूँ, वो कुएँ के ऊपर जो रहट जो एक चमड़े की बड़े बैग होता है, मैं बनी के अंदर जहाँ पे पील मिलती थी एक स्वीट सा एक वो होता था बनी के अंदर गया हुआ हूँ, मैंने भल चलाया हुआ है, मैं गाड़े पे बैठा हूँ जो ऊँट ऊँट आगे बंधा होता है और गाड़े पे बैठते हैं, मैंने अपनी उसको काई डंडा खेला हुआ मैंने वहाँ स्कूलों में। मेरे को अब तो मैं गांव में अपनी गाड़ी में पहुँच जाता हूँ, लेकिन तब मैं जो है हमारी दिल्ली सराय रोला से गाड़ी एक ट्रेन चलती थी, वो रेवाड़ी रुकती थी और रेवाड़ी से एक छोटी ट्रेन होती थी जो कनिया स्टेशन उतरती थी, हम उतरते थे वहाँ पे एक काणी सी बस होती थी, वो धूल उड़ाती हुई 1.5-2 घंटे के अंदर उस कनीना स्टेशन से हमको एक्चुअली गांव पहुँचाती थी, और हम धूल मिट्टी में एकदम सने होते थे बाय द टाइम वी यूज़ टू कम टू अवर हाउस इन द विलेज, यू नो। पर आज देखो वहाँ पे कितनी वो हो गई, तो वो पर मैं उस मिट्टी को मिस करता हूँ, वो जो चाहे वो बिजली नहीं होती थी तब, यू नो, एक रेडियो होता था, रेडियो को हम घुमा करके किसी स्टेशन पर पहुँचते थे, यू नो। तो वो हरियाणा की मेरी सब वो है ना ताज़ा हो गई हैं असल में। मैं अपने गांव जाता हूँ, मैंने अपने गांव अडॉप्ट कर रखा है, या मैं वहाँ के टैलेंट के साथ हरियाणा के टैलेंट के साथ जब मैं काम करता हूँ, अभी मैं खुद एक्चुअली झज्जर में एज एन एक्टर किसी पिक्चर की शूटिंग कर रहा, एंड आप देखने को सुबह सुबह उठते आप जब खेतों में जा रहे होते हैं कितना खूबसूरती है, यू नो, कितना मज़ा है और कितना उसकी सुगंध में कितनी ताकत है असल में। तो वो हरियाणा का वो है, और वही जज्बा जो है मेरे को मजबूर किया कि मैं हिंदी फिल्म में मैं इतना काम कर चुका हूँ, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, नियरली 40 ईयर्स हिंदी सिनेमा में हो चुके हैं, तो अब मैं अपने इस काम के साथ साथ कि हिंदी फिल्मों के साथ साथ मैं अपने रीजन को थोड़ा बढ़ावा दूँ, एंड दैट इज़
ये दिस पिक्चर है, अब ये पिक्चर 17 मई को रिलीज़ हो रही है। मैं चाहता हूँ हरियाणा का हर आदमी देखे, हर लड़की देखे, इंस्पायर हो, क्योंकि ये आपको इंस्पायर भी करेगी और एंटरटेनिंग वे में एक समाज को मैसेज देगी, उन फादर्स को मैसेज देगी जो ये समझते हैं कि जो बेटे जो है वो बेटियों से बेटे जो काम कर सकते हैं वो बेटियाँ नहीं कर सकती, लेकिन हमारी बेटी जो है ये कहती है कि मैं वो सब कर सकती हूँ जो बेटा कर सकता है। एंड बड़ा सर स्ट्रेट कैरेक्टर निभा रहे हैं आप फिल्म के अंदर, जो हमने ट्रेलर में जो हमें जितना मालूम पड़ा ये काफ़ी एक रफ एंड टफ एक फादर है जो मतलब बेटियों को कभी सपोर्ट नहीं करता है। वो सर वो किरदार कहाँ से पकड़ा सर? मैं आपने देखा मैं थिएटर का एक्टर हूँ, मैं बड़ी कॉमेडी रोल्स कर चुका हूँ, ठीक है ना, और कॉमेडी में मैंने कितनी, लेकिन रिसेंटली मेरे को बड़े सीरियस रोल मिल रहे हैं, जैसे सूरमा में मेरे को बड़ा अलग तरह का रोल मिला था, शाहद अली ने दे दिया था मुझे, या अभी मैं भारत में कर रहा हूँ, या मैं अभी मेंटल है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेंटल है क्या मैं कर रहा हूँ, या मैं अभी और पिक्चरें आ रही हैं। तो इस फिल्म में भी जब ये रोल आया तो ये बहुत ही ऐसे फादर का रोल था जिसको एक्चुअली आप फर्स्ट हाफ में बहुत हेट करेंगे असल में, यू वुड नॉट लाइक, बिकॉज उसका मुद्दा ये है कि बेटा 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 क्या समझे ना, मेरे को बेटा चाहिए, बेटी तो चाहिए नहीं, पहले उसकी एक ऑलरेडी बेटी है जिसको उसने पढ़ाया भी नहीं असल में, 4 जमात तक पढ़ाया, और दूसरी बेटी आ गई तो अभी क्या करे, तो उसकी तरफ तो देखता भी नहीं है, समझे ना, उसकी वही इमोशन है कि बेटी कहती मेरा बाप मेरी तरफ देखता तक नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि बेटा होता तो मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं कोर्ट के, मेरे भाइयों के साथ जो केस चल रहे हैं, बेटा होता तो मेरे साथ खड़ा होता। और यू विल हेट दिस कैरेक्टर, पर यस धीरे धीरे कैसे वो उसका पश्चाताप कैसा होता है, उसको रियलाइज होता है कि नहीं बेटियाँ वो सब कर सकती हैं जो बेटा कर सकता है, और वो शर्मिंदा होता है अपनी बेटी के सामने। तो ये सबक है ऐसे फादर्स को जो ये समझते हैं कि बेटा होना ज़रूरी है, बेटी की ज़रूरत है। कोई मिले सर आप ऐसे फादर से या फिर ड्यूरिंग शूट और मतलब कुछ इस तरह के किरदार से, मतलब काफ़ी मतलब जो गाँव कीड़े तरह वगैरह कहीं जाते हैं तो इस तरह की सोच सर कहीं ना कहीं रखी? देखिए हमने तो देखा हुआ है ना ये मनस्थिति जो है कि जो बेटा जो है, जो लड़का जो है वो सारे काम कर सकता है, ये अभी भी गाँव के अंदर मौजूद है, कई जगह मौजूद है, लेकिन जब हम इस तरह की फिल्में बनाते हैं और इस तरह का मैसेज देते हैं समाज को और ये बोलते हैं कि ये गलत है, तो डेफिनेटली अब ये धीरे धीरे इरेज हो रहा है, और ये इस फिल्म का मकसद ही ये है ताकि उन फादर्स को, उन लोगों को ये समझ में आए कि ये जो आप जो सोच रहे हैं, आपकी जो सोच है ये बिल्कुल गलत है। एंड इसी के साथ में सर फिल्म में और भी काफ़ी किरदार हैं, किस तरीके से उनको चुना गया, किस तरीके से उनको पकड़ा गया? देखिए इसको डायरेक्ट कर रहे हैं राजेश बब्बर जो मेरे असिस्टेंट रह चुके हैं और काफ़ी फिल्मों के अंदर, और बड़े ही होनहार डायरेक्टर हैं, टेलीविज़न के बड़े दिग्गज डायरेक्टर रह चुके हैं। जब हरियाणवी फिल्म की बात आई तो मैंने सोचा वो खुद हरियाणा का है, सिरसा का रहने वाला है, तो इससे बेटर कौन सा डायरेक्टर हो सकता है, तो ऐसे ही राजेश बब्बर वही कॉन्सेप्ट लेके आया, उस कॉन्सेप्ट को हमने डेवलप किया, समझे ना, यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर अमित जो था उसने किया, फिर हमने डायलॉग अपने अपने लड़के से लिखवाए, और फिर हमने किसी कास्टिंग करनी शुरू की, तो कास्टिंग तकरीबन हम हरियाणा स्पीकिंग लेने चाहते थे, लेकिन दो लोग हमको ऐसे मिले, अनिरुद्ध जो जिसको मैंने तेरे संग में ब्रेक दिया था उसने हीरो का रोल दिया, अनिरुद्ध दवे ने आजकल पटियाला वेव्स में ज़बरदस्त रोल कर रहा है, एक टीवी शो आ रहा है, लेकिन वो तो पिक्चर की शूट करने के बाद एक्चुअली वो करना शुरू किया, और उसमें वो कमाल की हरियाणवी बोल रहा है, समझे ना। रश्मि सोमवंशी जो है वो मेरी एक अंग्रेज़ी फिल्म ए बिलियन कलर स्टोरी जो मैंने प्रोड्यूस की थी डायरेक्टर बाय एन पद्म कुमार, उसमें छोटा सा रोल किया था उसने, पर कमाल रोल किया था, और मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये एक कमर्शियल रोल कर सकती है, इसके अंदर आग बहुत है, इसके अंदर शी इज़ ए फायर इन हरसेल्फ एंड शी विल लव टू डू दिस काइंड ऑफ ए मेन स्ट्रीम रोल इन हरियाणवी फिल्म। उसने हरियाणवी सीखी, बोली बड़ी अच्छी तरह बोली, और आज उसको वो किया। बाकी तो मैं रोल कर रहा हूँ, बाकी हरियाणा के बहुत सारे कलाकार हैं समझे ना जिन्होंने इसके अंदर काम किया, वो चाहे रोहतक से हैं, चाहे विधि देसवाल एक बहुत बड़ी सिंगर हैं, लड़की है, यंग लड़की है, जिसने वो मेरे यार सुदामा रे तो घने दिनों में आया उसने काम किया। तो हमने हरियाणा के गजेंद्र फोगाट ने एक गाना गाया, विकास कुमार ने गाना गाया, समझे ना, सोनिया शर्मा ने गाना गाया, यू नो। और फिर हमको एक म्यूज़िक डायरेक्टर बड़ा अच्छा मिला, राजीव जैन, जो कि बड़ा अच्छा टैलेंट है और मैं उसको हमेशा प्रमोट करता हूँ और उसको पिक्चर मिलना चाहता हूँ। उसने 3-4 गाने किए हैं जो ज़बरदस्त हैं, गाने सबको देखने को मिल रहे हैं, द सॉन्ग्स आर ऑल्सो कैचिंग अप। सो ये कई बार कोई चीज़ अच्छी होनी होती है, वो अपने उसका फील, उसका सुर, उसकी कहानी की वजह से अच्छे अच्छे लोग हैं जो होते थे, और अच्छी इंटेंशन से बनाई जा रही है ये फिल्म के लिए तो बनाई जा रही है, लेकिन इसका बड़ा मुद्दा जो है, बड़ा विषय जो है वो ये है हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री रीस्टैब्लिश हो और इस रीजन में और इस रीजनल लैंग्वेज में फिल्में और बने, क्योंकि दंगल सुल्तान ने इस लैंग्वेज को एक्चुअली नेशनल लेवल पर पहुँचा दिया है।
एंड सर इसी के साथ में फिल्म को सर दंगल के साथ में कंपेयर किया जा रहा है, तो सर मतलब इतनी बड़ी फिल्म के साथ में अगर फिल्म को अगर कंपेयर किया जाता है सर, पहली चीज़ तो ये बहुत बड़ा ही कॉम्प्लीमेंट है सर, और सर दूसरी चीज़ सर ये कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर कितनी बढ़ जाती है, मतलब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है कि हाँ जब इतनी बड़ी फिल्म के साथ में जो कंपेयर करते हैं। नहीं वो देखिए क्या है, फिल्म तो हमने देख ली है, छोटी फिल्म है, दंगल से कंपेयर कर रहे हैं ये तो कॉम्प्लीमेंट है ही है, बिकॉज दंगल इट्सेल्फ वॉज ए ब्रिलियंट फिल्म, यू नो देयर वॉज इट वॉज ए फ्लॉलेस फिल्म, तो अभी उससे कंपेयर करना तो मतलब वो होगा कि आप करें, लेकिन हमने उस फील को रखते हुए, फील जो है वो बिल्कुल दंगल जैसी है कि आपकी कहानी की जो कहानी के जो दिल है ना वो जैसे दंगल में दिल था ऐसे ही, जबकि ये कहानी अलग है, दंगल कहानी अलग थी, और हरियाणा की पृष्ठभूमि पे बनाई है, तो हमने हरियाणा को अच्छी तरह से दर्शाया है, और जो हमारे पास क्योंकि इसका बड़ा बजट नहीं था, कोई बड़ी कास्ट नहीं थी इसके अंदर, हम ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते थे, तो कहने का मतलब ये कि ये दिस इज़ समथिंग कॉम्प्लीमेंट है, दंगल से कंपेयर कर रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा इसकी अपनी जगह है, ये एक रीजनल इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए फिल्म बनाई गई है, जिसमें क्योंकि दंगल इंटरनेशनल लैंग्वेज बन नेशनल लेवल तक आ गई थी दंगल की लैंग्वेज, तो इस फिल्म को डेफिनेटली मतलब सहारा मिलेगा कि वो दंगल की ऑडियंस भी है वो इस फिल्म को देखेगी। ओके सर, इसी के साथ में तेरे नाम टू की बात हो रही है सर, उसके बारे में सर कुछ बताइए क्या स्टेटस है सर? सत्रह मई को मैं चाहता हूँ ये फिल्म रिलीज हो रही है, छोरियाँ छोरों से कम नहीं होती हरियाणा के थिएटर्स में, साथ में बल्कि पंजाब बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली यूपी बॉर्डर और राजस्थान बॉर्डर, यू नो सब जगह वहाँ पर रिलीज़ होगी, आप इसे देखें, कई कई और शहरों में भी थोड़ी थोड़ी लगेगी, ये एक नया प्रयास है, आप इसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि रीजनल सिनेमा इज़ द फेस ऑफ आवर इंडियन सिनेमा, इट इज़ द नेक्स्ट बिग स्टेप विच इज़ गोइंग टू हैपन, एंड हरियाणवी सिनेमा डेफिनेटली विल इम्प्रूव स्टेप बाई स्टेप एंड मेक इट्स ओन प्लेस। थैंक यू। ये तो सर ने कहा है।